जय हिंद एवरीवन। आप लोगों का इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार? एकदम मस्त तरीके से चल रहा होगा तो कमेंट में बता देना, एकदम मस्त तरीके से चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? और एकदम चल ही नहीं रहा होगा तो उसको भी कमेंट करके बता देना, मतलब सबका इलाज है मेरे पास, ठीक है ना? देखो, आज 2023 समाप्त हो जाएगा। 2023 में जितने भी कचड़े लोग आपके जिंदगी में थे ना, उन लोगों को निकाल कर फेंक देना, और 2024 में नई जिंदगी का शुरुआत करना है मेरे भाई। 2024 में आप लोग को इंडियन आर्मी का वर्दी पाना है तो पाना है, उसके लिए आप लोग को अभी से मेहनत करना पड़ेगा। अब 2023 में जो अग्निवीर की भर्ती निकाली गई थी उसका मैटर तो समाप्त हो गया, अब 2024 में अग्निवीर की नई भर्ती निकाली जाएगी और जनवरी में ही मतलब नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना? अभी देखो, जैसे 10 मार्च को रिलेशन वालों का पेपर होने वाला है और मार्च अप्रैल के बीच में आप लोग का भी पेपर जैसे हो ही जाएगा, तो इसलिए आप लोग को अपना टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई जब अग्निवीर की नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकल जाएगा, जिस दिन से ऑनलाइन चालू हो जाएगा, उस दिन हम अपना एक अच्छा वाला नोट बनाएंगे, उस दिन से हम पढ़ना चालू करेंगे। तो जितने लोग भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो भाई रोओगे, ठीक है ना? और थोड़ा थोड़ा नहीं रोओगे, बहुत ज्यादा ज्यादा रोओगे, तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाई अभी से पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है ना? और जैसे ही इंडियन आर्मी की नई भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो मैं भी मतलब पूरा रफ्तार बढ़ा दूंगा इस चैनल पर पढ़ाने का, ठीक है ना? अभी तो अगले महीना में 8 तारीख को मेरा इंडियन आर्मी का दौड़ होने वाला है, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। सुबह में जाता हूँ, पूरा एकदम खतरनाक तरीके से रनिंग करता हूँ, रनिंग करने के बाद बेहतरीन तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ, पूरा मतलब एकदम खतरनाक तरीके से। मेरे भाई ग्राउंड पर जाने के बाद ये जो शरीर है ना, शरीर से आग उत्पन्न होने लगता है। अभी रेशमा नहीं निकलेगा तो मुझे पता है बहुत कुछ मिलेंगे, लेकिन मारेंगे, ठीक है ना? ऐसी बात नहीं है नहीं निकलेगा, मतलब अपने तरफ से 100% दे रहा है। तो मतलब अभी सुबह में ग्राउंड पर चला जाता हूँ, शाम को भी ग्राउंड पर चला जाता हूँ, और आता हूँ तो सोते रहता हूँ अपना डाइट वाइट लेकर। तो इसलिए अभी अच्छे तरीके से क्लास नहीं आ पा रहा है, जिस तरह से मैं इस बार क्लास कराने वाला हूँ ना, उस तरह से नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप लोग मेरे पर भरोसा करना, विश्वास करना, बेहतरीन तरीके से आप लोग का क्लास होगा। इस एनडीसी नीलेश डिफेंस करियर वाला जो चैनल है ना, यहाँ से पढ़ने के बाद आप चाहे इंडियन आर्मी का पेपर देने जाना, आप चाहे कहीं भी जाकर टेस्ट लगाना, किसी भी किताब से पढ़कर कहीं भी जाकर टेस्ट लगाना, वहाँ आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है ना? आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हूँ। बस आप लोगों को मेहनत करना है, तैयारी करना है। और काफी सारे लोग अग्निवीर GD के बारे में पूछते हैं, क्योंकि GD में ही सबसे ज्यादा फार्म भरा जाता है, कि GD में इस बार एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो आपका एज लिमिट मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 1 अप्रैल 2007 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना, तो फिर उन लोगों का इस बार ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना? और नई भर्ती किस महीने में आ सकती है, तो नई भर्ती भाई मतलब वही जनवरी में इसका नोटिफिकेशन निकल सकता है और फरवरी से ऑनलाइन चालू हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाई अभी से आप लोग लग जाओ, ठीक है ना? अब आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मिलेंगे 8 तारीख के बाद। जैसा भी फिजिकल विजिकल होगा आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों का क्लास हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना? और ये मैं अपना खुद का स्टूडियो बनवा चुका हूँ, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जैसे यहाँ से आप लोगों को अच्छे से मतलब पढ़ाने में मजा आएगा, बाहरी आवाज थोड़ा सा भी नहीं आता है, पूरा चारों तरफ फोम लगा दिया हूँ, तो तैयारी बेस्ट तरीके से होगा, ठीक है ना? और 2023 में मतलब जो भी आपके जिंदगी में खराब लोग थे, जो आपको वैल्यू नहीं देते थे, तभी आप उनके पीछे लगे रहते थे, तो उन लोगों को एकदम साइड कर देना, ठीक है ना? और 2024 से नई जिंदगी का शुरुआत करना, और सिर्फ 10 दिन के लिए नई नई जिंदगी का शुरुआत करना। कुछ पगला रहते हैं कि सोचते हैं हाँ 2024 में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ मतलब 4 से 5 दिन, उसके बाद से फिर वही रीति रिवाज हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है मेरे भाई, ठान लो कि मेरे भाई हमको अलग करना है तो करना है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं मेरे भाई, जब मैं YouTube पर वीडियो बनाना शुरुआत किया था ना, तो कहां से शुरुआत किया था और देखो कहां तक आ गया, आप लोग खुद देखो। तो मैं ठाना था, मैं मतलब अंदर एक पागलपन था कि नहीं हमको कुछ करना है, करना है, करना है। तो मैं मेहनत करते रहा, मेहनत करते रहा, देखो आज कितना अच्छा स्टूडियो बना चुका हूँ, और अभी भी मेहनत जारी है, ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। मतलब अपना जो भी है मतलब पहले से बेहतर हो चुके हैं, और आप लोग भी जो भी हो ना इससे बेहतर हो जाओगे, बस मेहनत करना है, ठीक है ना? तो मेहनत दबा के करना है। चलो ठीक है, 2023 को बाय बाय बोलते हैं और 2024 में मिलते हैं। जय हिंद।